हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक इज़ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। में फर्स्ट पार्ट जो है सुपरविजन, उसका ही एक पार्ट है फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र, यानी सुपरवाइज़र के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम करता है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय हिम इज़ कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू सबॉर्डिनेट्स। सुपरवाइज़र क्या करता है, उसके जितने भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं या उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस उनसे कम्युनिकेट करता है, यानी उनको बताता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने जितने भी इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स इशू करे हैं, ये सुपरवाइज़र का काम है कि वो जाके सबॉर्डिनेट को बताए। सुपरवाइज़र मेक श्योर दैट ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर कम्युनिकेटेड टू ईच एम्प्लॉय। ठीक है, उसका काम होता है इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितने भी ऑर्डर्स या जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं, वो जाके हर एक एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करे, यानी उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबसे कम्युनिकेट करें, और इस बात का ध्यान रखे कि वो ऑर्डर्स उनको पता हों और साथ में समझ भी आए हों, जितने भी ऑर्डर्स हैं ना समझ आए हों वो। ठीक है, सेकेंड फंक्शन इज़ फैसिलिटेट कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि सुपरवाइज़र जो है अपने कंट्रोल में करेगा सारे एम्प्लॉयज़ को। बिजनेस सब्जेक्ट में कंट्रोल का क्या मीनिंग है, मैच या फिर कंपैरिजन आप बोल सकते हैं बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट, यानी कंपैरिजन करना, आपने जो प्लान्ड यानी पेपर पे जो प्लानिंग की है, ठीक है, और जो एक्चुअली में जो आपका रिजल्ट आया है, जो आउटपुट आया है, उनके बीच में मैच करना, उनका कंपैरिजन करना कि जो हमने प्लान किया था, सोचा था कि एक्चुअली में वैसा ही काम हो रहा है, उतना ही काम हो रहा है, उसी तरीके से हो रहा है, दिस इज़ कंट्रोलिंग। ठीक है, कंपेयर करना। तो सुपरवाइज़र का क्या काम होता है, कंटिन्यूस सुपरविजन एंड मॉनिटर, मतलब कंटिन्यूसली वो अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करता रहता है, सुपरविजन उन पे मतलब ध्यान रखता है, एक तरह से ऐसे बोलते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं आपके जो एम्प्लॉयज़, उन सबको मॉनिटर करता रहता है, हमेशा ध्यान रखता है, नज़र रखता है। इफ़ सबॉर्डिनेट्स डेविएट फ्रॉम प्लान, सपोज़ जो हमने प्लान किया था उससे वो डेविएट हो जाते हैं, उस रास्ते पर नहीं चलते हैं, या उससे कुछ होता ना इधर से उधर कुछ काम हो जाना, या फिर जो काम है वो टाइम पर नहीं होना, या कुछ मिस्टेक होना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन बाय सुपीरियर या सबॉर्डिनेट, जो भी सुपरवाइज़र होगा। सुपरवाइज़र इमीडिएट इंस्ट्रक्शन देगा, क्या बोलेगा कि जो प्लान आउटपुट है और एक्चुअल आउटपुट है उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो प्लीज़ आपको ये ठीक करना है, और ऑर्डर्स वो इशू करेगा और साथ में गाइड भी करेगा कि उसको इस तरह से जो काम है उसको इस तरह से किया जाए। अगला पॉइंट हम करते हैं, और क्या करता है आपका सुपरवाइज़र, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो जो वर्कर्स होते हैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना कंटिन्यूस सुपरविजन, हर वक्त उन पर नज़र रखी जाती है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और काम कर भी रहे हैं या नहीं, है ना, तो इन सब चीज़ों का उन पर ध्यान रखा जाता है। तो अगर उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा, हर वक्त ऑब्जर्व किया जाएगा, तो क्या होगा, दे विल ऑलवेज यूज़ रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर विद नो वेस्टेज, तो वो वेस्टेज नहीं करेंगे। ठीक है, जितना भी काम होगा बेस्ट पॉसिबल मैनर में करेंगे, रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, वो वेस्टेज नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने से ही लगा लो, अगर आपकी मम्मी ने पापा ने आपको कोई काम दिया है और आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से करेंगे, पूरी लगन से करेंगे, बट अगर मम्मी पापा इधर उधर हो जाते हैं तो आप थोड़ा चालू काम कर जाते हैं, जल्दी जल्दी उसे निपटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो होता है आपके सुपरवाइज़र जो होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ पे कंटिन्यूसली नज़र रखते रहते हैं, ताकि वो जो काम है बेस्ट पॉसिबल मैनर में करें और वेस्टेज ना हो, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये मैं जितने भी पॉइंट्स करा रही हूँ आप, ये हैं फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, कि सुपरविजन की क्या इंपॉर्टेंस है या उसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे उससे कंट्रोलिंग की जा सकती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, ये सब दोनों में यूज़ कर सकते हैं आप, फंक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में अगर इम्पॉर्टेंस आ जाती है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फोर्थ आपका पॉइंट है डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रहता है अगर हर वक्त सुपरवाइज किया जाता है, तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन एनकरेजेस एम्प्लॉयज़ टू बी मोर डिसिप्लिन। अगर स्ट्रिक्ट सुपरविजन है तो एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, मोर डिसिप्लिन, ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन उनके अंदर मेंटेन रहेगा,
वर्कर्स फॉलो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करेंगे, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे काम ख़त्म करना, हर चीज़ टाइम पे। फिर दोबारा से आप अपने एग्जांपल लीजिए, आप लोग स्कूल जाते हैं, क्लास ट्वेल्थ में होंगे, अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर आपकी क्लास में आती है तो क्या होगा, आप लोग बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे, बिल्कुल नॉइज़ नहीं, कुछ शरारत नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई है ना फोर्थ क्लास की या फर्स्ट क्लास की टीचर आ जाती है आपके पास, ठीक है, वो आपको सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आप एकदम से इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, शोर मचाएंगे, है ना, उन पे जो है भारी होने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह क्या होगा, जब जैसे ही जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब उन पे स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखा जाएगा तो वो भी बहुत डिसिप्लिनड बिहेव करेंगे, स्ट्रिक्टली टाइम टेबल फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है फीडबैक। अब फीडबैक में क्या होता है, सुपरवाइजर डायरेक्टली डील विद द सबॉर्डिनेट्स, आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं डायरेक्टली उनसे सुपरवाइजर डील करते हैं, कोई टॉप लेवल का मैनेजर नहीं आता है बार बार सबॉर्डिनेट्स के पास, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, क्यों ऐसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, कोई नहीं आता है ऐसे। सुपरवाइजर्स होते हैं, वही नज़र रखते हैं, वही आपसे डायरेक्टली डील करते हैं, कोई ऐसे बड़ा मैनेजर बार बार चेक करने नहीं आता सेकंड में, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गिव फीडबैक, जब डायरेक्टली वो आपसे डील करेंगे, हर वक्त सबॉर्डिनेट के टच में रहेंगे सबॉर्डिनेट्स, तो उनको सबॉर्डिनेट्स को सब कुछ पता तो होगा, इस जो मतलब सॉरी सुपरवाइज़र हैं उनको सब कुछ पता होगा सबॉर्डिनेट्स के बारे में, क्योंकि हर वक्त वो उनके आसपास हैं, हर वक्त उन पर नज़र रखे हुए हैं। सो ही गिव फीडबैक रिगार्डिंग कंप्लेंट्स, ग्रीवियंसेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर। तो क्या होगा, जो आपके सुपरवाइज़र होंगे वो जितने भी फीडबैक होगा, जैसे कि चाहे कंप्लेंट्स हो, चाहे कोई ग्रीवेंसेस हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, वो सबॉर्डिनेट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे जाके किसको बताएंगे, सुपीरियर्स को बताएंगे, ठीक है। तो फीडबैक कौन देगा, सुपरवाइज़र देंगे, सबॉर्डिनेट्स की चीज़ों को बताएंगे जाके सुपीरियर को। सिक्स्थ इज इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव होती है, बिकॉज सुपीरियर इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो आपका मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स या सुपीरियर्स होते हैं, वो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस वही सब कुछ इशू करते हैं, पॉलिसीज़ बनाना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना, सब कुछ उन्हीं का काम होता है जो सुपीरियर्स होते हैं, हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं। बट सुपरवाइजर्स गिव देम टू सबॉर्डिनेट्स। सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, गिव देम या जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो किसको देगा जाके, सबॉर्डिनेट्स को। बनाने का काम तो हायर लेवल के मैनेजर्स का है, लेकिन बताने का काम किसका है, सुपरवाइजर्स का। सुपरवाइज़र जाएंगे और सबॉर्डिनेट को बताएंगे ये ऑर्डर है, ये इंस्ट्रक्शन है भाई, ऊपर से आया है, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट दीज इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर टू एवरी एम्प्लॉय। और किस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं जो ऊपर से आए हैं हायर लेवल एम्प्लॉय से, वो हर एक छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को क्लियर हों, समझ आ गए हों, इस तरह से वो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर उनकी सारी बातें यानी हायर लेवल एम्प्लॉयज़ की सारी बातें एक सुपरवाइज़र क्लियर कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ की यानी सबॉर्डिनेट्स की सारी बातें, उनके सारे प्रॉब्लम्स जाके मैनेजमेंट को बता रहा है एक सुपरवाइज़र, तो कम्युनिकेशन तो इम्प्रूव हो ही जाएगा ना, वो एक तरह से लिंकिंग पिन हो गया। मतलब मैनेजमेंट को का जो चीज़ें है वो जाके सबॉर्डिनेट्स को बता रहे हैं, और सबॉर्डिनेट्स की जो चीज़ें वो जाके सुपीरियर्स को बता रहे हैं, इस तरह से कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगी। अभी सेवेंथ पॉइंट इज इम्प्रूव मोटिवेशन। मोटिवेशन अभी डायरेक्टिंग हमने पढ़ा था, जब उसकी डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी, तो डेफिनेशन में क्या था, मोटिवेशन भी किया जाता है डायरेक्टिंग में। वाइल गाइडिंग द एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर्स इंक्रीजेस द सबॉर्डिनेट्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। जब सुपरवाइजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करते हैं तो उनको बीच बीच में इनक्रेज भी करते रहते हैं, उनका हौसला बढ़ाएंगे, ठीक है, उनकी जो है तारीफ़ करके या जो भी है उनको इनक्रेज करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे सबॉर्डिनेट से कि वो अपना बेस्ट जो है वो दें, अपनी कंपनी को बेस्ट दें, सारा काम अच्छे से करें, सारा अपना जो है बेस्ट परफॉर्म करें एकदम, इस तरह से वो उनको मोटिवेट करते हैं। कौन करता है, सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, हाई लेवल के एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे, सुपरवाइजर्स का काम होता है मोटिवेट करना सबॉर्डिनेट्स को। भी लास्ट आपका है मेंटेन ग्रुप एक्टिविटी यूनिटी। ग्रुप यूनिटी कैसे बना के रखते हैं सुपरवाइजर्स, मेंटेन ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स
working under him by solving disputes between them. Suppose एक supervisor है, supervisor की under 50 worker है, एक supervisor के under कोई कुछ problem हो गई कुछ workers में, ठीक है, disputes बोल सकते हैं या लड़ाई हो गई या कुछ problem होगी, तो supervisor क्या करेगा, उसे solve करने की कोशिश करेगा उन disputes को, और कोशिश करेगा कि उनके बीच में group unity बनी रहे ताकि उसका जो भी worker होंगे वो best perform करें. तो इस तरह से वो group unity बना के रखता है. जितने भी पॉइंट्स थे ये थे फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र, यानी सुपरवाइज़र क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, या फिर आप बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना अगर कोई भी आपको इश्यू है तो. प्लीज़.